साथियों, अब बात करते हैं रिकॉर्ड नंबर 145 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रामायण से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों को एक सूत्र में जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई पहल की। इस पहल के तहत पहली बार रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। यह ट्रेन भगवान राम की नगरी अयोध्या से रामेश्वरम तक प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन कराती है। खास बात है कि यात्रियों की इच्छा के अनुरूप श्रीलंका स्थित भगवान राम से जुड़े उल्लेखनीय तीर्थ स्थलों का भी दर्शन कराती है। रेलवे ने इसकी शुरुआत नवंबर 2018 में दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से की। 15 दिनों की यह यात्रा 29 नवंबर 2018 को वापस दिल्ली आकर संपन्न हुई। खाने पीने और ठहराने तक की सारी व्यवस्था रेलवे की तरफ से की गई।